हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इडली की रेसिपी। और ये सूजी रवा इडली है, रवा की सूजी की। ये देखिए, हमें इसमें डालना है 1 कप दही। दही डाल के हमें इसका एक बैटर तैयार करना है, अच्छा स्मूथ बैटर। ये देखिए, और थोड़ा हमें डालना है नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर, और 1 चम्मच हमें डालना है इनो। मैं आपको 2 तरह की इडली बनाना सिखाऊंगी, एक रवा नॉर्मल प्लेन इडली और एक वेजिटेबल इडली, सब्जियां डाल के जो बनती है। आपको जिस तरह की पसंद आए आप उस तरह की बना सकते हैं। ये देखिए, और अब इसमें डालेगा 1 चम्मच नमक। और मसाले में इसमें डालेगा काली मिर्च का पाउडर। ये देखिए, अब हमें इसको एक अच्छा सा स्मूथ बैटर बना के हमें तैयार करना है। देखिए दोस्तों, हल्का सा इसको हमें गीला ही रखना है, अगर ज़्यादा थिक नहीं रखना है। अगर ज़्यादा हम थिक रखेंगे तो हमारी सूजी अच्छे से भीगेगी नहीं। अब हमें इसे 10 मिनट के रेस्ट पे रखना है, जब तक हम अपनी वेजिटेबल तैयार करते हैं। तब तक हम इसका एक स्मूथ बैटर बना के हम इसको माइक्रोवेव किसी गर्म जगह के अंदर रखें, जैसे माइक्रोवेव के अंदर रख दें। ये देखिए, ये देखिए, एक हमारा अच्छा बैटर बनके तैयार है। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी फल्फी इडली बनेंगी इसकी। ये देखिए दोस्तों, सब्जी में हमें एक छोटा प्याज लेना है, आधा मैंने टमाटर लिया है। टमाटर का देखिए गूदा निकाल लीजिए, वरना अच्छा नहीं लगता है गूदा इसमें इडली में बिल्कुल भी। और 1 शिमला मिर्च ले ली है हमने, आधी गाजर ली है, और 4 से 5 हमने लिए बीन्स। ये देखिए, अब इनको हमको सबको फाइनली चॉप करना है, बारीक हमको काटना है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी बारीक हमें सब्जी काटनी है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, हमारी सब्जी बनके कट के तैयार है। ये देखिए, अब हमें अपनी सब्जी सब इसमें मिलानी है। ये देखिए, ये सब सब्जी हमें सारी इसमें डालनी है। ये देखिए, शिमला मिर्च, बीन्स हो गई, प्याज, गाजर, और टमाटर। टमाटर हमें कम ही रखना है, क्योंकि टमाटर से बहुत वो होता है ना, लिक्विड छोड़ता है पर टमाटर, इसलिए हमको टमाटर कम ही डालना है। ये देखिए, सारी वेजीज हो गई हमारी, अब हमें इसे मिक्स करना है। ये देखिए, चाहे तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। आप अगर तीखा खाते हैं तो उसमें 2 से 3 हरी मिर्च काट के डाल सकते हैं। वैसे तो मैं आपको चटनी की रेसिपी बताऊंगी, इसके साथ मूंगफली या नारियल की बहुत टेस्टी चटनी बनती है। हम मूंगफली की बनाएंगे, नारियल तो हम पे है नहीं, इसलिए हम मूंगफली की एक टेस्टी सी चटनी की रेसिपी भी आपको अभी बताती हूँ मैं। ये देखिए, बैटर कितना अच्छा तैयार हो गया है।
ये देखिए दोस्तों, एक तो मैं बना रही हूँ ये वेजिटेबल वाली वेजिटेबल इडली, और एक है ये प्लेन। चलिए हम सबसे पहले प्लेन बनाते हैं। ये देखिए, अब इसमें डलेगा ये इनो। हमें ये ध्यान रखना है, इनो जब हम बस बनाने वाले हों तब डालना है इनो, पहले से डाल के नहीं रखना है। इनो से अच्छी फल्फी इडली बनेगी, बहुत टेस्टी खाने में। आपको पता नहीं चलेगा कि बाहर से मंगाई है या घर से। वैसे तो मुझे तो ज़्यादातर घर की पसंद है, बाहर की तो मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती हैं, इतनी हार्ड होती हैं वो, बिल्कुल कोई खाने में कोई टेस्ट नहीं आता है, सिर्फ पैसों की बर्बादी। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारे इडली स्टैंड लेखा मैंने ये। अब इसमें हमें देसी घी बटर या कुछ भी इसको ऐसे इस तरह ग्रीस करना है, कोट करना है हाथों से या ब्रश की मदद से। ब्रश मेरे पास अभी था नहीं, ब्रश बच्चों ने तोड़ दिया तो इसलिए मुझे हैंड का यूज़ करना पड़ रहा है। ये देखिए, अब हम अपने इसमें ये डालते हैं। ये देखिए दोस्तों, इतनी डालें, बिल्कुल हमें फुल भर के नहीं डालनी है, इतनी डालनी है, थोड़ा स्पेस रखना है ऊपर, हाँ। वरना तो जगह नहीं रहेगी, फिर जगह नहीं आए, फिर हाँ फिर गिर गएगी। ये देखिए दोस्तों, इतनी डालनी है कि ये देखिए, अब हम अपने इसमें हमने जो पानी रखा है हमने स्टीम पे चढ़ा रखा है। ये देखिए, इसमें लगाएंगे हम अपना ये मोमो स्टैंड और इसके अंदर रख देंगे आराम से। ये देखिए दोस्तों, आराम से इसके अंदर स्टीम हो जाती है। ये देखिए, अब हम इसे स्टीम पे रख देते हैं। ये दोस्त देखिए दोस्तों, मैं चटनी की रेसिपी, ये चटनी मूंगफली हमको तवे पे ऐसे रोस्ट करनी है। एक हमें लोहे का रोटी वाला अपना तवा ले लेना है, उसमें अपनी सारी हमें मूंगफलियाँ डालनी है। ये देखिए, वैसे मैं चटनी ज़्यादा ही बना के रख रही हूँ क्योंकि ज़्यादा चटनी बना के स्टोर कर लो, एक दो दिन काम आ जाती है, ये ख़राब भी नहीं होती चटनी। ये देखिए, इसको हमें ऐसे रोस्ट करना है। नारियल की चटनी में एक मेरी सीक्रेट है ये। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, चार से पांच ये काजू डाल दीजिए, काजू से इसका फ्लेवर दो गुना बढ़ा हुआ आता है। देखिए, ज़्यादा नहीं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है काजू से। या काजू आपके पास अगर काजू नहीं है तो बादाम डाल दीजिए, बादाम से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस चटनी में। अभी मैं आपको बताती हूँ और क्या क्या डलेगा। ये देखिए, चटनी में डलेगा हमारा ये हरा धनिया, और ये तीन से चार हरी मिर्च कट बारीक, वैसे तो लंबी साबुत भी आप डाल सकते हैं, और ये हरा धनिया, और डलेगा लहसुन की कलियां डलेंगी। अभी आपको दिखाती हूँ, मेरे बेटे की भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, वो हजार बार किचन में आके उसने देख लिया कि क्या बन रहा है आज, क्या बन रहा है, कब बनेगा, ये बहुत ज्यादा भूख लगती है इसको। ये देखो दोस्तों, हमारी इडली बनके तैयार है, अब हम खा रहे हम लोग शॉप करेंगे। मम्मी हम कैसे बना रही है खिचड़ी। ये देखिए, हमारी इडली बनके तैयार है। अब हमें स्पून की मदद से इसको आराम से हल्के हाथों से, ये देखिए, ये देखो दोस्तों कितनी अच्छी बनी है। ये देखिए, वो भी हम निकाल लेंगे, दूसरी भी निकाल लिए। ये देखिए, बिल्कुल सिर्फ हमें चम्मच ऐसे लगाना है हल्के से,
इडली भी बाहर आ जा रही है। ये देखिए कितनी जालीदार, बिल्कुल ये देखिए। अब हम ये वाली बनाएंगे, इसमें हम अभी हरा धनिया नहीं डाला है, थोड़ा सा हरा धनिया डालना है। और ये भी हम अब बनाने जा रहे हैं, तो अब इसमें भी हम इनो डाल देंगे अपना। ये इसमें हम पूरा पैकेट डालेंगे, वो कम थी तो इसलिए उसमें मैंने आधा डाला, इसमें पूरा पैकेट इनो डलेगा। डाल के अच्छे से फेंटना है। देखिए वैसे तो अभी ऑयल है इसमें, बस हल्का सा हमें एक बार हमें अपना हाथ तक इसमें घुमा लेना है एक बार लगा के। ये देखिए अब हमें इसमें भी डालना है। इसमें भी दोस्तों वही प्रोसेसिंग है सेम, हमें ऊपर तक नहीं भरना है। अगर ऊपर तक भरेंगे तो हमारी इडली फूलेंगी नहीं अच्छे से, इडलियों को भी जगह चाहिए होती है फूलने के लिए, तभी स्पंजी बनती है। अगर हम ऊपर तक डाल देंगे तो वो स्पंजी नहीं बनेगी, वो अजीब सी बनेंगी और टाइट टाइट हो जाएंगे फिर। ये देखिए ये देखिए स्टील पे रख दिए ये भी। ये देखो दोस्तों ये इडली भी हमारी बनके तैयार है वेजिटेबल वाली। अभी मैं आपको शर्व करके दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी टेस्टी बनी है ये देखिए। चलिए और हमारी चटनी भी बनके तैयार है, ये देखिए बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। ये देखो दोस्तों बनके तैयार है। अब इसे भी हमें आराम से किसी भी नोक की चीज़ से, ये देखिए आराम से हमको इसमें आराम से चम्मच या उसी चीज़ से फंसा के, चम्मच की मदद से निकालना। ये देखिए ये देखो दोस्तों इडली बनके तैयार है। ये हमारी ये वाइट वाली बिना सब्जी वाली, और ये है सब्जी वाली, थोड़ा सा पल्पी रहती है। ये देखिए खाने में बहुत ही टेस्टी होती है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इडली बनके इतनी अच्छी तैयार है। ये देखिए रवा इडली। अगर रेसिपी पसंद आई दोस्तों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय।